बच्चों आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में SA1 की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र पर आधारित प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों पिछली कक्षा में हम इस प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं, उसके आगे के जो प्रश्न हैं वह आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न एक, प्रश्न दो और प्रश्न तीन यह हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर प्रश्न चार से शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। चलिए देखते हैं बच्चों। प्रश्न एक, जो पढ़ा लिखा ना हो। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए क्या आएगा बच्चों? विद्वान, समझदार, अनपढ़। क्या आएगा? जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ पर सही का निशान आएगा। बच्चों आपको SA1 की परीक्षा में जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर कौन सा सही है उस पर ही सही का निशान लगाना है, उस पर ही राइट टिक करना है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दो, झूठ बोलने वाला क्या कहलाएगा? बच्चों झूठ बोलने वाला सच्चा, झूठा, ईमानदार। क्या कहलाएगा? झूठा। झूठ बोलने वाला झूठा, इस पर सही का निशान आएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न तीन, काम से जी चुराने वाला क्या कहलाएगा? मेहनती, बलवान, कामचोर। क्या कहलाएगा बच्चों? काम से जी चुराने वाला कामचोर कहलाएगा। हो गया, चलिए आगे चलेंगे। चौथा देखिए, जहां न्याय के लिए जाते हैं, न्यायालय, न्यायाधीश, पुलिस। क्या आएगा बच्चों? न्याय के लिए कहां जाते हैं हम? न्यायालय जाते हैं। तो इसका सही उत्तर न्यायालय आएगा। हो गया, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पांच, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है इसमें? मैं क्यों फंसू भला बंधन में। बच्चों यह वाक्य किस कविता का है? दो चिड़िया का है। मैं क्यों फंसू भला बंधन में, यह पंक्ति दो चिड़िया कविता से ली गई है यहाँ पर। अब देखिए यह वाक्य किसने कहा है? वन की चिड़िया ने घर की चिड़िया से, घर की चिड़िया ने वन की चिड़िया से, दोनों ने अपने आप से। क्या उत्तर सही आएगा बच्चों इसका? वन की चिड़िया ने घर की चिड़िया से कहा, मैं क्यों फंसू भला बंधन में। हो गया, उस पर सही का निशान आएगा। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो। बच्चों यह वाक्य किस पाठ का है? यह वाक्य बदल गई विचारधारा का है। क्या है, किस पाठ का है बच्चों? बदल गई विचारधारा। अब इसके लिए कौन सा उत्तर सही आएगा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो, कबूतरों ने आलोक से कहा है। तो पहला वाला यहाँ पर सही है, उस पर सही का निशान आएगा। हो गया, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा देखिए, झूठी तुम हो और कामचोर भी। कोयल ने कौवे से, कौवे ने कोयल से, उल्लू ने बंदर से। यह वाक्य उल्लू की अदालत का है और यह कौवे ने कोयल से कहा है। झूठी तुम हो और कामचोर भी, किस पर सही का निशान आएगा? कौवे ने कोयल से। हो गया, आगे बढ़ेंगे। चौथा देखिए, तुम किस धर्म को मानते हो। यह वाक्य किस पाठ का है? यह वाक्य जापान पाठ का है। और किसने कहा है यह? स्वामी राम तीर्थ जी ने विद्यार्थी से कहा है बच्चों यह, तुम किस धर्म को मानते हो। तो किस पर सही का निशान आएगा? स्वामी राम तीर्थ जी ने विद्यार्थी से। हो गया, चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न छः, समान तुक वाले शब्द चुनिए। बच्चों आगे हमें
समान तुक वाले शब्द चुनना है। चलिए देखते हैं। पहला कान, कान के लिए समान तुक वाला शब्द कौन सा आएगा बच्चों यहाँ पर? दान, खत, पंख। अब कान की तरह किसका उच्चारण हो रहा है यहाँ पर? दान का हो रहा है, तो किस पर सही का निशान आएगा? दान पर। कान की तरह उच्चारण किसका हो रहा है? दान का, तो हमने वहां पर सही का निशान लगा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा बच्चे। अब देखिए नीचे तीन उत्तर दिए गए, तीनों में बच्चों की बच्चे इसका इसके समान उच्चारण किसका हो रहा है? सुंदर, कलम, सच्चे। किसका उच्चारण हो रहा है? सच्चे। तो किस पर सही का निशान आएगा? सच्चे पर। हो गया, आगे चलेंगे। जंगल, जंगल के समान किसका उच्चारण हो रहा है? सरल, मंगल, महल। किसका उच्चारण हो रहा है बच्चों? मंगल का। तो हमारा सही का निशान किस पर आएगा? मंगल पर। मंगल पर हमने सही का निशान लगा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, वन, चौथा क्या है? वन, वन की तरह किसका उच्चारण हो रहा है? मन। खेत, पानी, किसका उच्चारण हो रहा है बच्चों यहाँ पर? मन का। तो किस पर सही का निशान आएगा? मन पर। चलिए आगे चलेंगे। पांचवा देखिए, घर। अब घर के लिए क्या सही निशान आएगा यहाँ पर? सही उत्तर क्या है? पर, वह, आप। क्या आएगा? घर पर, पर पर सही का निशान आएगा। हो गया बच्चों, अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। अब इसके इसके प्रश्न कैसे हैं? चलिए देखते हैं। प्रश्न एक, नेवले को देखकर आलोक ने क्या किया? बच्चों यह दो तीन वाक्य वाले जो उत्तर आएंगे यह प्रश्न उस तरह का है, तो आपको यह ध्यान से देखना है कि इसका उत्तर कौन सा पूरी तरह से सही है। तो आप इसके उत्तर को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर उसमें से कौन सा उत्तर सही है उस पर ही सही का निशान लगाइए। आपको तीनों उत्तर पहले ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर, चलिए पढ़ेंगे हम। नेवले को देखकर आलोक ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पर देखिए, नेवले को देखकर आलोक ने क्या किया? नेवले को देखकर आलोक ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। इसका उत्तर यही वाला सही है बच्चों। इस पर सही का निशान आएगा, लेकिन इसके दो उत्तर और दिए गए हैं। चलिए हम आगे हुआ देखते हैं। नेवले को देखकर आलोक ने अपना सामान उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। गलत उत्तर है। नेवले को देखकर आलोक ने अपनी माँ को बुलाया। यह भी गलत उत्तर है। नेवले को देखकर आलोक ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। तो इस पर हमने सही का निशान भी लगा दिया। हो गया बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा, न्यायाधीश ने कोयल को क्या सजा सुनाई? न्यायाधीश ने कोयल से उसकी सुरीली आवाज छीन ली। यह उत्तर सही है कि इसके दोनों उत्तर दूसरे वाले भी देख लेते हैं हम। न्यायाधीश ने कोयल को 2 साल की सजा सुनाई। गलत उत्तर है। न्यायाधीश ने कोयल को जेल में बंद कर दिया। गलत उत्तर है बच्चों यह दोनों। इसका सही उत्तर, न्यायाधीश ने कोयल से उसकी सुरीली आवाज छीन ली। क्या उत्तर सही आएगा बच्चों इसका? न्यायाधीश ने कोयल से उसकी सुरीली आवाज छीन ली। तो इस पर सही का निशान आ गया। हो गया बच्चों, तो बच्चों आज हमने यहाँ पर अविरल की पाठ्य पुस्तक से पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुनरावृत्ति कर ली। अब इसके आगे के भाग में हम व्याकरण पर आधारित प्रश्नों को दोहराएंगे बच्चों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगी। धन्यवाद।